थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर M.S. अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें, सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुँचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक डॉक्टर आजाद आलम। स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। होटल एंड रेस्टोरेंट द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूनापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स। तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 7766969। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। बात करेंगे आज MLC चुनाव को लेकर। काफ़ी पूरे बिहार में गहमागहमी था। आज उसका वोटिंग का दिन था, यानी कि आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग गिर रहा था। वोटिंग देने जनप्रतिनिधि जा रहे थे। उसके बाद ये मामला, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वोटिंग समाप्त होने के पश्चात, यानी कि कुछ देर पहले जब रईस खान जी अपने काफिले के साथ घर की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुआ गांव के समीप SH-89 यानी कि रईस खान के काफिले पर हुआ गोलियों से ताबड़तोड़ हमला। अब तक की ये खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है सिवान जिला में। अब तक उनके नज़दीकी बता रहे हैं कि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब ये चीज़ देखना होगा कि इस पे प्रशासन कितना कार्रवाई कर रही है, कितना कदम उठा रही है।